बोलता हूँ एंड जय। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपके लाइक एंड कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दिसंबर माह के करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं, मतलब दिसंबर माह में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है और उससे रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें और मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, देखते हैं दोस्तों, दिसंबर माह का 1 से 17 दिसंबर तक का करंट अफेयर अभी तक का। दोस्तों, 1 से 17 दिसंबर तक करंट अफेयर देख रहे हैं अपन। सबसे पहले तो दोस्तों बॉलीवुड से शुरुआत करते हैं अपन। बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं शशि कपूर, उनका 79 वर्ष के निधन में वर्ष में निधन हुआ है। और दोस्तों, इनके बारे में खास बात ये है कि एक तो इनका दिसंबर माह में 2017 में निधन हुआ है, और दूसरा इनके बारे में ये पूछ सकता है कि 2011 में पद्म भूषण मिला है इनको और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दोस्तों, ये बहुत इन चीज़ों को ध्यान रखें, वो अंदर के ही क्वेश्चन पूछता है कि 2011 में इनको पद्म भूषण मिला है और 15 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और दादा साहब फाल्के को फिल्म इंडस्ट्री के पितामह भी बोलते हैं, मतलब इन्होंने ही फिल्मों की शुरुआत की थी भारत में प्रोडक्शन की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दादा साहब फाल्के का नाम जरूर याद रखें, इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि अभी अभी अपन ने देखा था कि ये 6 दिसंबर के आसपास चक्रवात ओखी आया था। तो इस चक्रवात का नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नाम याद रखें, ओखी नाम था इस चक्रवात का। और दोस्तों, इसमें ये अगर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसने कितने राज्यों को इफेक्ट किया था। दोस्तों, इसने 4 राज्यों को इफेक्ट किया था, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। और गुजरात में जाकर ये खत्म हो गया। दोस्तों, ये इसका नाम जब जरूर याद रखें, ओखी नाम था इसका। तीसरा, मोहम्मद अली जोंडी। मोहम्मद अली जोंडी शख्स दोस्तों, ये सीरिया के हैं, सीरिया के एक लड़का है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2017 दिए गए हैं। दोस्तों, खास बात ये है कि ये देश का नाम पूछ सकता है इनका, और इनका इनका खुद का नाम भी पूछा जा सकता है, मोहम्मद अली जोंडी। तो दोस्तों, सीरिया नाम जरूर ध्यान रखें, सीरिया से, क्योंकि अभी वहाँ IS का आतंक भी चल रहा था, तो ये इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2017 में इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। चौथे नंबर पर दोस्तों, मीटू कैंपेन। मीटू कैंपेन दोस्तों, ये महिलाओं के लिए चलाया गया था, इसमें स्पेशली जरा जिन महिलाओं के साथ दुष्चार होता है उनके लिए चलाया गया था। और इसको मीटू कैंपेन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का वो बनाया गया है दोस्तों। तो ये खास बात ध्यान है कि इस कैंपेन का नाम भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि इसे क्या उपाधि मिली। तो इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 मिला है और इसमें लगभग 3 करोड़ लोग जुड़े हैं दोस्तों। ये भी पूछ सकते हैं इसका आंकड़ा, कितने करोड़ मीटू कैंपेन से कितने करोड़ लोग जुड़े हैं, तो 3 करोड़ लोग जुड़े हैं। पांचवें नंबर पर दोस्तों, कुंभ मेला। कुंभ मेला को दोस्तों अपने यहाँ कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद में लगता है दोस्तों। तो कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृत विरासत मिला, यूनेस्को की सांस्कृत विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है कुंभ मेला को। दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनेस्को और अमूर्त सांस्कृत विरासत, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको जगह मिल गई है। छठवें नंबर पर दोस्तों, इमोशनल शॉपिंग की आदत से रिसर्च के लिए रिचर्ड थेलर नाम के व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों, ये पूछ सकता है कि इनमें से 2017 में किसे नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों, अक्सर क्या लोग होता है कि इस तरह की छिपी हुई चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, इनको इमोशनल शॉपिंग, यानी आजकल दोस्तों एक आदत हो रही है कि लोग अपने मन को खुश करने के लिए शॉपिंग करते हैं। और आजकल पता है जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चल रही हैं, तो उसके लिए लोग जल्दी से बुक कर देते हैं और अपने मन की शांति के लिए उस पर इन्होंने रिसर्च की है, तो उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है रिचर्ड थेलर को 2017 में। सातवें नंबर पर दोस्तों, श्वेता अठवाल मिसेज यूनिवर्स बनी है 2017। दोस्तों, मिसेज यूनिवर्स और मिस इंडिया में बहुत फर्क है। दोस्तों, मिसेज मतलब ये इनकी शादी हो चुकी है, मतलब ये मिसेज यूनिवर्स बनी है 2017 की, श्वेता अठवाल इनका नाम है। आठवें नंबर पे दोस्तों, निकिता मान, ये मिस इंडिया। दोस्तों, यहीं पे मैंने आपको बता दिया है कि ये मिसेज यूनिवर्स है और ये मिस इंडिया है। दोस्तों, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखें कि मिसेज यूनिवर्स श्वेता अठवाल बनी है और मिस इंडिया 2017 की है वो निकिता मान बनी है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, ये मिसेज यूनिवर्स है और ये मिस इंडिया है, ये खास तौर पर आप देखिएगा। नौवें नंबर पर है जितेश सिंह देव मिस्टर इंडिया 2017 बना है। ये दोस्तों अभी बने हैं दोस्तों, ये 16 दिसंबर को न्यूज बने हैं, तो 15 दिसंबर को इन्हें उपाधि मिली है। और 2020 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड लेवल, मतलब ये मिस्टर वर्ल्ड के और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 2020 में। ये भी दोस्तों, ये अंदर का क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि 2020 में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड लेवल पर भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा।
तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करेंगे जितेश सिंह देव, और ये अभी मिस्टर इंडिया बन चुके हैं 2017 में, ये खास बात इनके बारे में। 10वें नंबर पर दोस्तों मधुबली, मधुबली दोस्तों ये साउथ की हैं, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड उन्हें 2017 का चुना गया है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। दोस्तों यहाँ पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मिस इंडिया 2017 निकिता मान है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मधुबली बनी गई है। 11वें नंबर पर सौम्या स्वामीनाथन, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय महिला, अभी तक कोई महिला इनको WHO का उप महानिदेशक, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उप महानिदेशक का पद दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि WHO का उप महानिदेशक का पद कौन किसे दिया गया है, और भारत पहली भारतीय महिला का नाम, तो ये सौम्या स्वामीनाथन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे खास तौर पर ध्यान रखें। तो 12वें नंबर पर है दोस्तों हिंदी की लेखिका, हिंदी की लेखिका जिनका नाम है ममता कलिया, इन्हें 27वां व्यास सम्मान। दोस्तों एग्जाम में व्यास सम्मान के बारे में काफी पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी, IAS PSC में भी आप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इन्हें 27वां व्यास सम्मान 2017 दिया गया है। और इनके उपन्यास जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है वो उसका नाम है दुखम सुखम, और इसके लिए इन्हें 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों ये भी खास स्टार लगा लें इसमें, और ये जरूर याद रखें कि 27वां व्यास सम्मान 2017 ममता कलिया को मिला है दुखम सुखम के लिए। 13वें नंबर पर कंचमाला पांडे, दोस्तों ये ज़्यादा लाइट में नहीं रही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली भारतीय वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियन, मतलब ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें पैरा स्विमिंग में चैंपियनशिप जीती है, और इन्होंने 200 मीटर ब्लाइंड स्विमिंग, मतलब ये दोस्तों ब्लाइंड स्विमिंग मतलब है इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, मतलब ये देख नहीं सकती, इसलिए इन्होंने ब्लाइंड स्विमिंग में वर्ल्ड चैंपियन जीती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 14वें फुटबॉलर ऑफ द ईयर, दोस्तों खेलों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल एग्जामों में, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2017 को रोनाल्डो को चुना गया है। 15वें नंबर पर प्रोफेसर लाल सिंह, प्रोफेसर लाल सिंह DNA फिंगरप्रिंट के जनक, दोस्तों भारत में इन्होंने फिंगरप्रिंट के लिए एक लैब स्थापित की थी, इसलिए इनको बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए ये इनका भी अभी निधन हो गया है दोस्तों, 10 दिसंबर 2017 को इनकी मृत्यु हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर लाल सिंह कौन थे, इनके बारे में पूछ सकते हैं, तो ये DNA फिंगरप्रिंट के भारत में, मतलब भारत में DNA की शुरुआत की थी। 16वें नंबर पर है प्रदीप सिंह खरोला, प्रदीप सिंह खरोला एयर इंडिया के चेयरमैन व MD दोनों पद दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर खास पॉइंट देखें आपकी, ये चेयरमैन भी यही है और MD भी यही है, तो दोनों यही हैं, मतलब प्रदीप सिंह खरोला को एयर इंडिया भारतीय विमान के चेयरमैन और MD के पद दिया गया है, प्रदीप खरोला का नाम ध्यान रखें। रामदेव धुरंधर, ये अभी 16 दिसंबर को ही इनको मिला है दोस्तों, 2017 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान। दोस्तों ये सम्मान जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान है, ये कथाकार मतलब कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये कथाकार थे रामदेव धुरंधर, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये मॉरिशस में रहते हैं, दोस्तों इनका ये पूछ मॉरिशस में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, लेकिन ये है इंडिया मूल के। और 18वें नंबर का है जॉय घोष, जॉय घोष को 31वां मूर्ति देवी अवार्ड मिला है, और पहले बंगाली, ये पहले बंग इस क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पहले बंगाली जिनको 31वां मूर्ति देवी अवार्ड मिला है वो जॉय घोष, या फिर अभी अभी किसे मिला है ये पूछ सकते हैं दोस्तों। नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी, तो दोस्तों इस नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी। लास्ट में हम देखने वाले हैं कि नासा ने एक नया सौर मंडल खोजा ब्रह्मांड में, जिसका नाम है केपलर 19, केपलर 90। दोस्तों इस सौर मंडल में 8 ग्रह और 1 सूर्य है। तो दोस्तों ये था आज का करंट, और इसी तरह अपडेट रहने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, और लाइक जरूर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए यदि कोई समस्या है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।